यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखा है जो कि आपको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सबसे पहले इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ यानी कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी जो रिप्रेजेंटेशन होगा डी ओवर डी एक्स के लिए और मैं एक्स को लेट कर लेता हूँ ई द पावर जेड यहाँ से इसको लिखा डी डी माइनस वन माइनस 4d डी प्लस सिक्स आउटसाइड वाईल्स टू जीरो अगर अब मैं यहाँ से ऑग्जिलरी लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ d ही लिख, लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो हो जाएगा d स्क्वेयर माइनस d माइनस 4d प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो और d स्क्र माइनस 5d डी यहाँ से जो डी आएगा यानी कि रूट्स होंगे वो होंगे टू कोमा थ्री यानि कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई एक्स उसको क्या लिख सकता हूँ ये देखिए ये जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे ये z के लिए लिखे, लिखेंगे क्योंकि अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो ये हो जाएगा y z

रेस टू दि पावर टू लोग मिलेगा सी वन एक्स स्क्वे प्लस सी टू एक्स क्यूब अब जो हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी थी वाई टू इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो y2 क्वल टू जीरो हमें क्या इंप्लाई करते हैं सी वन प्लस टू टाइम सी टू इसको इक्वेशन वन कॉल कर देंगे हम ऐसे ही यहां से हम सबसे पहले वाई प्राइम एक्स निकालेंगे वाई प्राइम एक्स इक्वल्स टू टू सी वन एक्स प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वे यहाँ पर अब कंडीशन अप्लाई करेंगे जो दे रखा है y 2 equals to 4. यहां से हमें दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सी वन सी टू मिलेगा सी वन प्लस थ्री सी टू इक्वल्स टू वन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारे पास इक्वेशन है सी वन प्लस टू सी टू इक्वल्स टू जीरो दिस इज इक्वेशन वन और सेकेंड इक्वेशन है सी वन प्लस थ्री सी टू इक्वल्स टू वन ये इक्वेशन टू है यहाँ से अगर हम सी वन का वैल्यू और सी टू का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सी टू इक्वल्स टू मिलेगा हमें माइनस सॉरी प्लस वन और सी वन इक्वल्स टू मिलेगा माइनस टू अब हम जो सल्यूशन है उसको राइट करते वाई एक्स अब हमें मिलेगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए था वाई फोर का वाई फोर का वैल्यू माइनस टू इंटू सिक्सटीन प्लस सिक्सटी फोर सिम्प्लीफाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो थर्टी टू ये नूमेरिकल आंसर टाइप था इसका वैल्यू थर्टी टू